हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको मशीन के सारे पार्ट्स के नाम बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो चलिए मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये मशीन में हमारे एक चक्का होता है और इसमें हमें बेल्ट लगानी होती है। अगर आपकी हाथ वाली मशीन है तो यहाँ पर हैंडल लगा होता है। पैर वाली मशीन में हमें यहाँ पे बेल्ट इसमें लगानी होती है। इसी से हमारी मशीन चलती है, ऐसे हमें चलाना होता है इसे। फिर यहाँ पे मशीन में धागा भरने वाला दिया है, तो इसे बॉबिन बाइंडर कहते हैं। तो इसमें हमें धागा भरना होता है, जैसे कि बॉबिन में हमें धागा भरना है तो हमें बॉबिन को ऐसे लेना होता है और इसमें लगा के और इसको हल्के से दबा के ऐसे, तो इसमें हमें इसे चलाते हुए ऐसे इसमें धागा यहाँ से भरा जाता है। तो यहाँ पे बॉबिन बाइंडर दिया होता है। फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है जिससे कि हम सिलाई छोटी बड़ी करते हैं। यहाँ से हम टाके छोटे बड़े करते हैं। अगर आपको टाके छोटे लगाने हैं तो आपको इसे ढीला करके नीचे की तरफ ले जाना होता है, और अगर आपको बड़े टाके लगाने हैं तो इसको ऊपर करना होता है। तो इसको आप ऊपर करके थोड़ा टाइट कर दें, इससे आपके टाके जो बड़े छोटे हो जाएंगे। आपको जिस हिसाब से सिलाई करनी है, आपको बड़े टाके लगाने हैं तो आप ऊपर कर सकती हैं, छोटे लगाने हैं तो इसको आप बीच में कर लें, बहुत छोटे लगाने हैं तो इसको आप नीचे कर दें। तो यहाँ पे नंबर भी दिए हुए हैं। ये है स्टिच रेगुलेटर है, तो इससे हम बकिया छोटी बड़ी करते हैं। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर यहाँ पे धागा लगाने वाले स्पूल पिन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम धागा लगाते हैं। आप इसमें भी लगा सकती हैं और इसमें भी लगा सकती हैं, ऐसे हमें इसमें धागा लगाना होता है। फिर यहाँ पे ये तेल डालने वाले छेद दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम इस पर लिखा भी हुआ है ऑयल, तो यहाँ हमें तेल मशीन में डालना होता है। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर ये यहाँ से ले कर और यहाँ तक ये थ्रेड गाइड है जिसमें से हम धागा लगा के सुई तक लाते हैं। तो ये हमारे यहाँ थ्रेड गाइड दिया हुआ है मशीन में। और फिर यहाँ पे थ्रेड टेंशन है जिसमें धागा हम लगाते हैं, और इसका काम होता है धागे को टाइट रखना। ना ये ज़्यादा ढीला रखता है धागे को और ना ज़्यादा टाइट रखता है, तो ये बराबर खींच के ऐसे रखता है। तो इसमें हमें ऐसे धागा लगाना होता है और इसको बराबर से रखता है जिससे कि सिलाई सही होती है। अगर ये धागे को ज़्यादा टाइट कर देगा तो हमारा धागा टूटने लगेगा। तो ये थ्रेड टेंशन है। और फिर यहाँ पे धागा फंसाने वाला है थ्रेड गाइड है, तो यहाँ पे भी धागा हम लगाते हैं ऐसे। और फिर यहाँ पे प्रेशर लिफ्टर दिया हुआ है, तो ये प्रेशर लिफ्टर है जिससे कि हम प्रेशर फुट को ऊपर नीचे करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रेशर फुट है, इसको हम प्रेशर फुट कहते हैं, जिसके नीचे हम कपड़े को दबाते हैं, जो हमारे कपड़े को दबा के रखता है। तो यहाँ पे प्रेशर फुट है और ये यहाँ पे प्रेशर लिफ्टर है जिसको हम यहाँ पे ऊपर नीचे करते हैं। यहाँ हमें नीचे कपड़े को दबाना होता है और इसे हमें नीचे कर देंगे तो कपड़ा दब जाएगा, फिर ऊपर करना है तो कपड़ा यहाँ से हमें निकालना होता है। तो ये प्रेशर फुट है और ये प्रेशर लिफ्टर है यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे निडिल बार है जिसमें ये सुई लगी है, तो इसको निडिल बार बोलते हैं। और फिर ये निडिल प्लेट है जिसमें कि सुई नीचे जाती है और ऊपर आती है, यहाँ से सिलाई होती है। तो ये निडिल प्लेट है और ये साइड प्लेट है जिसे खोल के हम यहाँ पर शटल में बॉबिन लगाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनका हमें यूज करना होता है और उनका क्या काम होता है। तो आपको मशीन के बारे में इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।